Okay, so we are going to start some examples of application of integration, and this is your first example. So, area of the find the area of the region bounded by a curve y square is equal to x plus 2. So, this is a parabola that I know, but how you will know? एक क्वाड्रेटिक है एक ये कह रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक को अकेले एक साइड पे रखो तो ये क्या हो जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू कैन आई राइट एक्स स्क्वायर और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है y माइनस टू तो आपको वर्टेक्स सबसे पहले बनाना है x के साथ क्या है जीरो माइनस y के साथ क्या है टू तो आपका वर्टेक्स क्या बना जीरो y का पावर क्या है वन आगे पॉजिटिव है कि नहीं है तो ये जो कर्व आएगा वो 0 टू वेरी 0 टू जो पैराबोला कौन सा पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 चलो ओके दूसरा y इज इक्वल टू 0 वेरी फाइन y इक्वल टू 0 ये रही This is line y equal to 0. तो आपको इसके अंदर नहीं जाना है y equal to 0 की ओर देखना है Then x equal to 1. तो ये भी आपको पता होनी चाहिए What is line x equal to 1? ये line y axis का नाम क्या है अगर याद होगा x equal to 0 तो x y axis को parallel line होती है उसका नाम है x equal to 1 और दूसरा है x is equal to 2 तो सारे curve cover करता हुआ region कौन सा बना यहाँ से स्टार्ट किया और ये आपको एरिया ढूंढना है ये ढूंढना चलो अब रीजन आपको एरिया फाइंड करना था चार चीज आपको फाइंड करनी है एक तो एक्स की लिमिट एंड वाई की लिमिट एक्स कांस्टेंट कहाँ पे है कांस्टेंट में जब कहाँ पे ले रहा वन एंड टू पे सो मैंने एक्स को फिक्स कर लिया एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू क्या लेना वन टू सो मैंने हॉरिजॉन्टल फिक्स कर लिया अब वाई की लिमिट लेनी है तो व्हाट आई विल डू आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नाउ व्हाट इज वाई इक्वल टू हियर ये पॉइंट के ऊपर वाई क्या होता है जीरो और ये पॉइंट के ऊपर वाई क्या होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू तो आप क्या करो वाई वन नाम दे दो y1 इक्वल टू 0 ये x1 x2 ले लो तो भी चलेगा x1 x2 y1 y2 व्हाट इज y2 x2 प्लस 2 सो आप समझ लो कि x की वैल्यू जा रही है 0 से 2 एंड y की वैल्यू वेरी हो रही है x वेरी होगा लेकिन कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है देखो x इक्वल टू 0 1 टू 2 जा रहा है लेकिन y की एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू बदलती रहेगी जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की चेंज होगी तो ये एक रीजन दूसरा रीजन तीसरा रीजन चौथा रीजन पांचवा रीजन मतलब एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब मैं रास्ता धीरे धीरे करके ऐड कर रहा हूँ कहाँ से वन से लेके टू तक का वन से लेके टू तक तो अगर मैं थोड़ा अगर आपको याद है लिमिट ऑफ सम तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके आगे बढ़ रहे अब वो लिमिट ऑफ सम से सॉल्व नहीं करना हमें पता है कि वन से टू का जो रास्ता है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका 1 से 2 एंड y की लिमिट क्या है ये हम राइट इट एज y2 माइनस y1 सो दिस इज इक्वल टू सम इंटीग्रेशन 1 टू 2 व्हाट इज y2 x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 क्या है 0 सो वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस यू नो सो फर्दर दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर का क्या होने वाला है x क्यूब बाय 3 प्लस 2x and limit is from 1 to 2. Upper limit minus lower limit करो चलो. Now put upper limit. Upper limit मतलब x के बदले 2 रखो. 2 का जब क्या होता है 8 by 3 plus 2 का 4. Upper limit minus 1 by 3 plus 2. ये limit जाएगी x के बदले. Okay? So this will be equal to further. इक्वल टू आंसर 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 क्या होगा 7 बाई 3 4 माइनस 2 क्या होगा 2 डिवाइड बाई 1 3 दिस इज द 6 प्लस 7 13 बाई
आपका सेकंड क्वेश्चन ये है y2 is equal to x2 minus 4 x axis मतलब दूसरा इक्वेशन है y equal to 0 x equal to minus 1 and x equal to 4 तो चलो ओके तो हमने सीधा एरिया बिना डायग्राम ड्रॉ किए कर लिया अगर नहीं आता है तो बिल्कुल तो नहीं होगा डायरेक्ट बोलो आंसर ही आ रहा है अब मैं डायग्राम से समझाता हूं तो ये आपका y2 minus y1 कर दिया x की वैल्यू का है minus 1 to 2 जो दिख रहा है उसको अरेंज कर लो x की वैल्यू अरेंज किया y2 minus y1 यू विल गेट सम आंसर ओके मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं चलो व्हाट इज दिस y इज इक्वल टू क्या है x2 minus 4 ये साइड का आएगा तो क्या होगा प्लस 4 सो दिस विल बी प्लस 4 सो ये बना x2 इज इक्वल टू y minus minus 4 ओके सो इसका वर्टेक्स होगा 0 कॉमा माइनस 4 ये सो नो तो माइनस 4 एंड 0 0 माइनस 4 यहां पे आता है x का पावर क्या है 1 और y के आगे क्या है पॉजिटिव है कुछ कॉमन है नेगेटिव कॉमन निकल रहा है नहीं सो ये जाएगा ऊपर ओके दूसरा है x is equal to minus 1 x equal to I hope you know x equal this is what x equals to 0 ये y axis है उसका नाम क्या है x equal to 0 what is this say suppose x is equal to minus 1 what is this x equal to 2 लेकिन x equal to 2 यहाँ है कहाँ है तो for that this parabola ये जो parabola है उसमें y 0 डाल दो चलो तो ये क्या हो जाएगा if I put y 0 x square minus 4 equal to क्या हो जाएगा 0 so x is equal to क्या बना plus or minus 2 तो ये point आएगा 2, 0 जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन still we are showing यहाँ आएगा माइनस टू कॉमा जीरो हमारी जो लाइन है वो एक्स इक्वल टू वन है वो इधर नहीं जाएगी लेकिन माई मिस्टेक मैंने इधर ड्रॉ किया बट स्टिल इट इज राइट टू से बाहर नहीं होना चाहिए और एक्स इक्वल टू टू मतलब किस है तो अब रीजन कौन सा बना ये वाई इक्वल टू जीरो है तो आपका रीजन है एरिया इज दिस दिस पार्ट ये पार्ट ओके सो आपकी x की लिमिट तो फिक्स है ये कहो कहाँ भी जाएगा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी माइनस वन से लेके टू तक सो आपका x1 क्या हो जाएगा माइनस वन x2 क्या हो जाएगा टू अब एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल लाइन लाइक दिस चलो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया व्हाट इज y हियर y2 क्या होगा ये है आपका y2 और ये है आपका y1 अब y1 ऊपर लेंगे या y2 ऊपर लेंगे कोई टेंशन मत लो क्योंकि एरिया क्या है पॉजिटिव फिगर है कभी भी एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा सो इवन इफ यू गेट नेगेटिव कंसीडर इट एज पॉजिटिव बराबर क्योंकि एरिया इज नॉट नेगेटिव फिगर लेंथ इज नॉट नेगेटिव बराबर सो अगर y2 minus y1 करा करो या y1 minus y2 करो फार्मूला सब तो नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव ओके सो फाइनल y2 इज व्हाट व्हाट इज y2 व्हाट इज y2 x2 minus 4 एंड y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 सो ये x लिमिट यहां पे आएगा minus 1 to 2 y2 minus y1 सॉल्व द आंसर आंसर आपको आना है अरे अब इंटीग्रेशन पढ़ाने का टाइम नहीं यहाँ से इससे भी हायर इंटीग्रेशन कर लिया इज इट क्लियर तो डायग्राम इज क्लियर डायग्राम इज क्लियर सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई व्हाट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस थ्री कर्व सो वाई का पावर वन है एक्स स्क्वायर सो ये पहला पता कौन सा हुआ वर्टेक्स इज जीरो जीरो अब x equal to minus 2, so minus 2 यहाँ नहीं रहेगा, so अभी तो x equal to minus 2 है, x is equal to minus 2, और दूसरा कौन सा बोला है, x equal to 2, okay, अब आपको y axis बोला नहीं है, so it might be a confusing part, y axis नहीं बोला है, तो ये reason कौन सा cover हो रहा है, ये तो unbounded है, इसका तो इसे मिलेगा है, so bounded reason कौन सा हुआ, only this part. And this part.
सिमेट्रिक है कहीं, लेकिन माइनस वन से देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका एरिया बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा, राइट। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दिस इज योर एक्स वन, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू क्या है वन, एंड इन द एंटायर रीजन वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द वाई हियर, वाई इक्वल टू जीरो, व्हाट इज वाई हियर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आपके पास वाई वन वाई टू भी मिल गया। अब ये जो लाइन है वो पूरे रीजन में कुछ वैल्यू बदल रही है क्या? वाई की वैल्यू यहाँ पे सारे जगह पे यहाँ पे क्या होगी, जीरो। इन एक्स की वाई की दोनों वैल्यू इधर जीरो हो सकती है, लेकिन इससे आगे क्या होगा, वाई की कुछ वैल्यू आएगी जीरो, और यहाँ पे तो वाई इक्वल टू क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे रीजन में मेरे पास वाई की दो ही वैल्यू मिल रही है, कौन सी है? एक तो वाई की वैल्यू जीरो, एंड व्हाट इज वाई टू, पूरे रीजन में कर्व एक ही दौड़ रहा है, वाई इक्वल टू क्या जा रहा है, जीरो, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो योर एरिया इज, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू टू वन वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू टू वन व्हाट इज वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इन टू डी एक्स। सो सिंपल आंसर इज एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट इज फ्रॉम माइनस टू टू वन। सो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो वन बाई थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट बाय नाइन बाई थ्री 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 ओके। सो दिस इज आवर फोर्थ एग्जांपल, एरिया ही फाइंड करें पूरे चैप्टर को, एरिया से कुछ नया है नहीं। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कॉमन समझ लो, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कर्व। चलो कर्व कौन सा होगा, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। अब समझो, अब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी व्हाट, सो आपने अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन रूट वाले किए थे, रूट कुछ नहीं है, रूट क्या है, पैराबोला। रूट एक्स का मतलब वाई बटा रूट एक्स, मतलब वो पैराबोला है। आपने रूट एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ किया है, रूट एक्स का डेरिवेटिव किया है, पर आप समझ में आएगा व्हाट इज रूट एक्स, इट इज पैराबोला। ओके, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू वाई एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। चलो पहले ये कर्व करो, व्हाट इज वर्टेक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू आगे प्लस वन कॉमा जीरो, यही प्रॉब्लम। एक्स माइनस वन मतलब एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वन जीरो, कहाँ पे आता है वन जीरो, वन जीरो एक्स का पावर वन है एंड पॉजिटिव है, तो ये कर्व कैसे जाएगा? ओके, दूसरा बोला है एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज योर लाइन एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, दूसरा बोला है वाई इक्वल टू वन, वेयर इज लाइन वाई इक्वल टू वन, यू शुड नो दिस मच। अगर ये ढूंढते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे, यू शुड नो वाई इक्वल टू वन ये होता है, अब उसमें टाइम नहीं निकालना। दूसरा होता है वाई इक्वल टू फाइव, दिस योर लाइन वाई इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू वन बराबर, और ये हमें बोला था कौन सा, ये पार्ट कौन सा पार्ट है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो मुझे मेरे पास वाई की लिमिट तैयार है, तो मैं क्यों एक्स पे जाऊँ, आई हैव द टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वाई, यस और नो। सो वी विल फिक्स वाई, वाई नाउ वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स वन यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल। नाउ एज आई हैव वाई वैल्यू, आई विल ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन को कहाँ ले लेंगे, अदर साइड, एक्स को सब्जेक्ट बना, दिस एक्स टू, दिस एक्स टू, एक्स वन x1 is equal to 0, x2 is equal to क्या बना, y square plus 1। अब आपको पूरा रीजन मिल गया जिसमें y is fixed, x की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ कर मतलब समझो, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि wherever I draw the horizontal line, मेरे पास x की वैल्यू इधर 0 ही रहेगी, इधर x की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे,
absorbed, your area will be equal to area. Area will be equal to integration 1 to 5. लेकिन ये y equal to है, पता ना? Y equal to है तो यहाँ पे क्या आएगा? dy. अभी तक क्या हो रहा था? x square is dx के कारण. dy है तो मेरा equation भी y form में आना चाहिए. y square plus 1 minus 0. y2 minus 1 और what is y2? यहाँ पे क्या आएगा? x2 minus x1. But what is x2? x2 minus x1. What is x2 minus x1? x2 minus x1. So what is x2? 1 to 5. This will be y square plus 1 dy. So now this ka integration karna aata hai ki nahi aata? Y square ka kya hota hai? Y cube by 3. Banta hoga y. Limit laga ho answer. Okay. This is your fourth example, sir. Okay. Now suppose yehi answer mujhe मेरे मन में ऐसा आगे मुझे x लेके करना है तो मेरे पास चलो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x हियर ये क्या होता है x दिस इज ये रीजन को मुझे अगर वर्टिकल मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या है इधर व्हाट इज x y y एक्सिस का नाम क्या है x इक्वल टू 0 अब यहां पे मेरा पॉइंट है से सपोज यहां पे ये जगह पर वहां पे मेरे पास y की वैल्यू 5 है लेकिन इफ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे x लाना है मुझे तो 5 इज 25 प्लस 1 क्या होगा 26 बराबर चलो ये पॉइंट भी कौन सा होता है बोलो दैट यू टू फाइंड ये पॉइंट कौन सा होगा बोलो y की वैल्यू 1 है व्हाट विल बी x तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 कॉमा 1 सो हमारी x की लिमिट 0 से 26 है वाया वाया 2 सो हमारे पास दो रीजन मिलेगा यहाँ तक मेरे पास y की वैल्यू ये है y is equal to क्या है 1 यहाँ पे क्या है y is equal to है 5 लेकिन जब जब मैं ये रीजन पे आऊंगा यहाँ से मुझे ये एरिया भी कवर करना है कि नहीं करना है तो कवर करना है तो y की वैल्यू यहाँ से चेंज हो रही है देखो यहाँ तक y की वैल्यू क्या थी 1 यहाँ से आगे y की वैल्यू चेंज हो रही है व्हाट इज वैल्यू ऑफ y हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ y हियर पैराबोला है कि नहीं है व्हाट इज वैल्यू ऑफ y हियर y is equal to अंडर रूट ऑफ x minus 1 so ये होगा आपका y1 and अगर मैं vertical line draw करूँ तो ये होगा मेरा y1 and y2 will be equal to 5 so area इसका होगा दो part this is your region 1 this will be your region 2 ये आपका region 2 है so region 1 का area क्या होगा area 1 will be equal to integration 0 to 2 y2 minus y1. What is y2? 5? 5 minus 1 into dx plus still not over. 2 to kya hoga 20? 6. x ki value count kar rahe hain 2 to 20? 6. What is y1? Under root 1 minus x. y2 kya hai? 5. So 5 minus under root of x minus 1. If you will solve this, you will get the same answer as the one which we will get by solving this. ये दोनों का आंसर क्या रहेगा? सही। तो आपका presence of mind ही आपको help करेगा कि simple करना या hard करना। बराबर ये x का अगर logic से in this case this area ही find करना है लेकिन अब दो का हो गया। कौन से दिए? एक तो x axis का मतलब पता होना चाहिए this is y equal to 0. This is what? Y equal to 0. What is this? Y is equal to क्या है? x square plus 4. मुझे x दिया ही नहीं है. I will get x. इसका intersection find करो. So y equal to 0 इधर रखो तो ये क्या हो जाएगा? Minus x square plus 4 equals to 0. So x square is equal to क्या हो जाएगा? 4. So x is equal to क्या मिला? Plus or minus 2. Drop that. सीधा answer. Area is equal to क्या हो जाएगा? Minus 2 to 2. इसका नाम करो y1, y1, इसका नाम करो y2, y2 minus y1, drop down. सीधा क्या हो जाएगा integration minus 2 to 2, this is x square plus 4. And if you understand odd even function, जो chapter 3 में पढ़े हो, ये odd even function है कि नहीं है, तो 2 times करके भी हो सकता है. Even function है कि नहीं है, अब even odd का significance पता चलेगा. Even अगर होता है, तो आपका पार्ट जितना लेफ्ट साइड जो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो समझ में आएगा ज़्यादा चलो वाई एक्स इसका क्या हुआ इसका ग्राफ यहाँ पे चलो
This is x square is equal to 4 minus y. x square equal to क्या हुआ 4 minus y. हमारा form में हमारा जो form है उसमें y आगे आना चाहिए. तो मैंने minus common निकाला y minus 4. तो अब vertex क्या हुआ 0.4. तो सुनो vertex is 0.4. तो 0.4 कहाँ पे आता है? अब y का पावर 1 है तो y एक्सिस पे है, लेकिन आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये कब कहाँ जाएगा? पहली बार ये नेगेटिव कब आएगा? तो नेगेटिव है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया. ये पॉइंट कौन सा है? 2.0 और ये होगा -2.0. सो इवन कब का मतलब दोनों साइड पे इवन. इवन आप जो पढ़े हो नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट जा रही. आपको इवन ऑड चेक करना था तो आपने किया था मेरे इवन ऑड वाले एग्जांपल. तो इवन ऑड में होता क्या है, ये दोनों रीजन का एरिया क्या होगा सेम. सो मैं क्या करूँगा इसको, ये क्या है x इक्वल टू 0. तो इसको मैं कर लूँगा एरिया विल बी इक्वल टू समझ लो 2 times इंटीग्रेशन 0 to 2. एफ एक्स क्या है हमारा, व्हाट इज एफ एक्स? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4. अगर इवन ऑड भी करते तो यही आता कि नहीं? और मैं ये रीजन को फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूं 2, तो भी मतलब क्या निकला? सेम निकला कि नहीं?